बचपन में आपने चॉकलेट कॉइंस तो खाए ही होंगे। इन सिक्कों से ना तो कुछ खरीद सकते थे और ना ही इन्हें खाने से कोई शक्ति मिलती थी, लेकिन फिर भी ये हमारे दिल को खुश कर जाते थे। अगर हम किसी बच्चे को कोई नॉर्मल चॉकलेट दें तो शायद वो उतना खुश ना हो, लेकिन चॉकलेट कॉइन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान अलग लेवल पर होती है। चॉकलेट कॉइंस पहले भी बच्चों को अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हैं और शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी इसके इतिहास के बारे में सोचा है? क्या आपने सोचा है कि इन्हें कैसे बनाया जाता है और दुनिया भर में इनके क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? अब सामने चॉकलेट कॉइंस हो तो इन सभी चीजों के बारे में सोचता कौन है? तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फैक्ट एंड स्टोरीज का ये वीडियो मेरे यानी अंशिका के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं चॉकलेट कॉइंस के इतिहास की। आपको बता दूं कि यूरोप और अमेरिका के लोग क्रिसमस के समय चॉकलेट कॉइंस को एक दूसरे को देते हैं। चॉकलेट कॉइंस को देने की शुरुआत 4th सेंचुरी के महान संत सेंट निकोलस के अच्छे कामों से इंस्पायर होकर हुई थी। सेंट निकोलस का जन्म 270 एडी में आज के तुर्की के मायरा शहर में हुआ था। आज दुनिया भर में फेमस सेंटा क्लॉस को भी सेंट निकोलस का रूप माना जाता है। 16th सेंचुरी में यूरोप में चॉकलेट बहुत फेमस हो गई और इसे क्रिसमस पर गिफ्ट के रूप में दिया जाने लगा। बाद में लोगों ने इसमें थोड़ा नयापन लाने की कोशिश की और चॉकलेट के कॉइंस बनाए जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि इसी के बाद क्रिसमस पर चॉकलेट्स की जगह चॉकलेट कॉइंस दिए जाने लगे। यूनाइटेड किंगडम में चॉकलेट कॉइंस का इस्तेमाल क्रिसमस के दौरान क्रिसमस ट्री को सजाने में किया जाता था। इसके अलावा अगर क्रिसमस के दौरान कोई व्यक्ति दूसरे के घर जाता था तो उसे चॉकलेट कॉइंस गिफ्ट में दिए जाते थे। कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि चॉकलेट कॉइंस को घर में छिपा दिया जाता था और बच्चे इसे खजाना समझकर ढूंढते थे। यहूदी परंपरा में चॉकलेट कॉइंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहूदी लोग हनुका नाम के फेस्टिवल के दौरान अपने बच्चों को चॉकलेट कॉइंस देते हैं। हनुका का मतलब ही होता है चॉकलेट से बने हुए पैसे। माना जाता है कि यह परंपरा भी 17th सेंचुरी से चली आ रही है। हनुका फेस्टिवल के दौरान बांटे गए चॉकलेट कॉइंस को हनुका गेल्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई चॉकलेट कॉइंस की हिस्ट्री और यूज की, लेकिन क्या आपको पता है कि चॉकलेट कॉइंस बनाए कैसे जाते हैं? नहीं ना? तो चलिए हम आपको ये भी बताते हैं। चॉकलेट कॉइंस को बनाने की शुरुआत होती है एक बड़ी सी चॉकलेट बार से, जिसका वजन 4 किलो से भी ज्यादा होता है और ये बिल्कुल प्योर चॉकलेट की होती है। इन चॉकलेट बार्स को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है जिसमें एक साथ 2500 किलो चॉकलेट को पिघलाया जा सकता है। इस पिघली हुई चॉकलेट को अब एक कूलिंग पाइप से निकाला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान चॉकलेट का रंग और उसका टेस्ट और भी निखर के आता है। इसके बाद इस चॉकलेट की एक लंबी और पतली सीट बना दी जाती है। इसके बाद इसे एक रेफ्रिजरेटर में भेज दिया जाता है और वो इस पिघली हुई चॉकलेट को सॉफ्ट सॉलिड चॉकलेट में बदल देता है। इसके बाद इस सीट में से चॉकलेट को एक स्पेशल मशीन की मदद से कॉइंस की शेप में कट कर दिया जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये चॉकलेट कॉइंस मशीन के पाइप में ही जमा होते जाते हैं। इन चॉकलेट कॉइंस को कलेक्ट करके इन पर एक मशीन की मदद से गोल्डन कलर की फॉइल चढ़ा दी जाती है और इसके बाद एक दूसरी मशीन इन चॉकलेट कॉइंस को प्रेस करके उन पर असली सिक्कों की तरह डिजाइन बना देती है। तो लीजिए, बन गए हमारे पसंदीदा चॉकलेट कॉइंस। वैसे आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट कॉइंस को उस सीट में से तो काट लिया गया, लेकिन बाकी की चॉकलेट से बनी सीट का क्या हुआ? अरे भाई, चॉकलेट जैसी टेस्टी चीज को फेंका कैसे जा सकता है? उसे फिर से पिघलाकर अगली बार इस्तेमाल कर लिया जाता है। जरा देखिए तो ये चॉकलेट कॉइंस बनने के बाद कैसे लग रहे हैं।
वैसे आपको बता दूं कि कॉइंस की रैपिंग के बाद बची हुई गोल्डन फॉइल को भी फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि रिसाइकलिंग भी तो जरूरी है। फ्रेंड्स, ये चॉकलेट कॉइंस अलग अलग साइज और डिजाइन में मिलते हैं, लेकिन जब ये हमारे हाथ में आते हैं और पेट में जाते हैं तो खुशी उतनी ही होती है। आपको बता दूं कि फैक्ट्रीज में इन चॉकलेट कॉइंस को बनाने में 1 घंटे से भी कम वक्त लगता है, और हमारे देश के अलावा दुनिया की अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग पैकेजिंग में मिलते हैं। गोल्डन फॉइल पैकेजिंग, सिल्वर फॉइल पैकेजिंग, कोका चिप्स पैकेजिंग और भी बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, आप इनमें से कौन सा चॉकलेट कॉइंस खाना चाहेंगे? अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हीं से टॉस करके भी डिसाइड कर सकते हैं। चॉकलेट कॉइंस का ये इतिहास, फेस्टिवल के टाइम इनका इस्तेमाल और आखिर में इन्हें बनाने की प्रोसेस, आपको ये सब कुछ कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सभी की बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी और वो खुश हो जाएंगे। हमारे चैनल फैक्ट एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब याद से कर लेना। गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।